नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वाड़वड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ्टर चैनल में। पहले हम कई सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर चुके हैं जिसमें डिफाई, एनएफटीज, मेटावर्स, अलग अलग चेन्स बेस्ड या फिर इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करी है। लेकिन आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, और जिसका सबसे बड़ा फायदा हमें यह होगा कि ये लिस्ट होने से पहले हमें मिल जाएगा, यानी कि मैं अपनी कम्युनिटी को, वॉफ्टर कम्युनिटी को गिव वे दिलाने वाला हूँ कार्बन्स का। तो एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का नाम है क्लीन कार्बन और इसकी मेन वेबसाइट है cleancarbon.io। तो इन्होंने क्या किया कि एक डिफाई रिस्पॉन्स बनाया वर्ल्ड पोल्यूशन के लिए, यानी कि वर्ल्ड का जितने पोल्यूशन है उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने डिफाई को जोड़ा है, और इसमें कई सारी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मेरा यकीन माना कि बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं जो इतने रियल हों, क्योंकि अगर हम इनकी टीम देखते हैं तो सारी की सारी टीम इनकी लिंक्डइन के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, इसका बैकअप क्या है, इसी के साथ आपको गिववे कैसे मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वॉफ्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफ्टेड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक सबसे मेन चीज, जब भी इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट बात करती है कि क्या ये प्रोजेक्ट सच में सही है या नहीं, क्योंकि उनको यही लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी कॉइन एसेट बैक नहीं है, उनके पीछे कोई ऐसी उनकी वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन क्लीन कार्बन के यहाँ वैल्यू है, क्योंकि ये एक एसेट बैक प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जिसका मेन मकसद है कि हमारे पूरे प्लैनेट को क्लीन करना। और तो और यहाँ तक क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही हैं। और अभी लिस्टिंग से पहले इन्होंने कई सारी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करी हैं, तो सपोर्ट तो दोनों तरफ से मिल रहा है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट से, जिस कारण अभी ये अंडर लीगल फ्रेमवर्क काम कर रहा है। तो जनरली गवर्नमेंट भी तब कन्विंस होती है अगर उनके ओवरऑल नेशन को या फिर अर्थ को, प्लैनेट को फायदा हो। तो ये जो डिफाई प्रोजेक्ट है, इनका मकसद यह है कि फिजिकल वेस्ट टू एनर्जी इंस्टॉलेशन करना, यानी कि जो भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जो भी प्लांट्स लगेंगे वो इंस्टॉल करना। तो क्लीन कार्बन एक BEP20 बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बिल्ड किया गया, और जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट बैक्ड है, जिसके मेन एसेट्स जो रहने वाले हैं वो इसके जो फिजिकल इंस्टॉलेशंस करी जाएंगी प्लांट्स की, वही इसके एसेट्स हैं। तो जो भी प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा उन प्लांट्स के द्वारा, उसी प्रॉफिट से इन कार्बन टोकन्स को बाय बैक भी किया जाएगा, जिससे क्या है कि प्रोजेक्ट हमेशा स्ट्रांग रहता है और इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। और ये अपना जो रोड मैप है उसको एग्जैक्टली सेम फॉलो कर रहे हैं। 3 अप्रैल को इन्होंने कहा था कि वाइट लिस्टिंग होगी, तो वाइट लिस्टिंग अब शुरू हो चुकी है, कुछ दिनों तक ये इसी तरीके से वाइट लिस्टिंग रहने वाली है, उसके बाद ग्लोबल प्री सेल होगी। तो हमें जो मेन फायदा होने वाला है वो यही है कि पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्टिंग होने से पहले पहले हमें लोएस्ट प्राइस पे ये कॉइन मिल जाएगा, $0.05 के आसपास। और अगर आपको ये गिववे चाहिए तो आपने कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल सिंपल टास्क हैं, और आपको ये फ्री में कॉइन्स मिलने वाले हैं जो लगभग हम $1,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो आप खुद सोचो, लगभग जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सभी को ये एयर ड्रॉप या गिववे मिल सकता है। तो उसके लिए जो कुछ बेसिक टास्क है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन बता भी देता हूं कि आपने नीचे कमेंट करना है #carbo, यानी कि #के साथ CARBO आपने लगा देना है। तो इस कमेंट के साथ साथ आपने इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। तो एक्चुअल में डिस्कॉर्ड क्यों ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ हिंदी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी आने वाली है, और मैं पर्सनली हैंडल करने वाला हूँ कि आपको गिववे मिले। वहाँ आपने जाना है, पार्टिसिपेट करना है, और वाइट लिस्टिंग कब बंद हो रही है, प्री सेल कब हो रही है, पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्टिंग कब हो रही है, ये डिटेल्स आपको मिलेगी इनके ट्विटर के ऊपर। तो तीसरा टास्क है कि आपने इनका ट्विटर फॉलो कर लेना है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 3 टास्क हो गए, और लास्ट जो टास्क है वो यही है कि आपने हमारा टेलीग्राम फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ इसी गिववे के बारे में। तो आपने उस पोस्ट को रिप्लाई करना है अपना BSC का एड्रेस, बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस, क्योंकि वहाँ जो आप एड्रेस दोगे उसी एड्रेस पर आपको ये कार्बो टोकन्स मिलने वाले हैं। और यकीन मानना, $0.05 बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर आपको 10, 20 टोकन, 100 टोकन्स में मिल जाते हैं तो इनकी वैल्यू लिस्टिंग के बाद बहुत ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये एसेट बैक्ड प्रोजेक्ट है। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी एक फिजिकल वैल्यू भी होती है। तो ये 4 टास्क कंप्लीट जरूर कर लेना, मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि क्लीन कार्बन इतना स्ट्रांग प्रोजेक्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो इनका ओवरऑल जो आइडिया है कि हमारे प्लैनेट को साफ सुथरा रखना और कुछ ऐसे प्लांट्स इंस्टॉल करना जिससे क्या कि इस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इसी के साथ। लेकिन ये कार्बो टोकन की यूटिलिटीज़ क्या हैं, वो ये है कि इनको एज ए पेमेंट मेथड यूज़ किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा ग्रीन रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे लोकल कम्युनिटीज़ को, ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ कि अर्थ को क्लीन एंड ग्रीन रखा जाए।
इसी के साथ मॉनिटर किया जाएगा इंस्टॉलेशन सेंसर्स को। जो क्लीन कार्बो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देने वाला है। दो तरीके की पैसिव इनकम होगी कार्बो और बीयूएसडी में, और रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ बर्न इवेंट्स चलते रहेंगे, जिससे क्या कि इनकी सप्लाई को डिफ्लेशनरी रखा जाएगा, जिससे क्या कि प्राइस में हम इंक्रीज ला सकते हैं कभी भी। और डेक्स जो हैं वहाँ पे बायबैक्स चलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। कार्बो की जो ट्रेजरी रहने वाली, यहाँ क्या कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग होगी, स्टेबल कॉइन्स को स्टेक किया जाएगा, जिससे क्या कि प्रोजेक्ट हमेशा स्ट्रांग होता रहता है। इसी के साथ ये प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग बन चुका है पार्टनरशिप्स के बाद कि अभी ये कुछ ना कुछ चैरिटी डोनेशंस भी करने जा रहा है, क्योंकि इनको जो मेजर फंडिंग्स मिली है बहुत से वीसी इन्वेस्टर्स हैं, ईयू सबवेंशंस हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन्होंने लोकल कंपनीज को भी दी है। अभी इसमें कोई भी सॉफ्ट कैप नहीं रखा गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब भी बाइंग होगी 5% बाइंग फीस रहेगी, 5% सेलिंग फीस रहेगी। 5% में से डेली स्टेकिंग बीयूएसडी में चला जाएगा जब भी बाइंग होगी, 1% पैनकेक स्वैप लिक्विडिटी में चला जाएगा, 0.5% कार्बो ट्रेजरी में और 0.5% बायबैक्स में। और जो सेलिंग है तो 4% जाएगा आरएफआई स्टेकिंग में, यानी कि कार्बो में, 1% पैनकेक स्वैप लिक्विडिटी में जाने वाला है। तो यहाँ किसी न किसी तरीके से अच्छा मेंटेन किया गया है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने यहाँ साफ कही है कि हमेशा आप किसी भी एलिमेंट को आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 5% बाइंग या सेलिंग फ़ी पे करनी करनी है। ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको इस तरीके का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम मीम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ हमेशा आपको 10% 15-20% तक भी इस तरीके की फ़ीस देनी पड़ जाती है, जो कि होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ओवरऑल इनका प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, प्लास्टिक मटेरियल, टॉक्सिक एंड हजार्डस सब्सटेंसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स, इन सभी को कन्वर्ट कर देगा इनटू एनर्जी। तो हर तरीके के वेस्ट को खत्म किया जाएगा इस प्लेनेट से। आप यहाँ इनकी टीम देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले उरो अब्राहम जो ईओ एंड को फाउंडर हैं। तो इनका यहाँ मैं लिंक्डइन चेक कर पा रहा हूँ, इनके कई सारे कनेक्शन हैं और इन्होंने पूरी डिटेल क्लीन कार्बन के बारे में ही दी है अपनी पूरी प्रोफाइल के ऊपर। इसी के साथ अगर हम बाकियों की बात करें, जैसे कि यहाँ माइकल हैं जो CTO एंड को फाउंडर हैं, तो वो भी लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जनरली जब भी कोई भी प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल रहती है तो उससे हमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, क्योंकि इसके पीछे जो काम करने वाली टीम है वो भी अच्छी है और वेल एक्सपीरियंसड है। जैसे कि इनका जो CEO एंड को फाउंडर है, एक को 10 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। इनके जो चीफ इंजीनियर, उनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग डायरेक्टर हैं डोमिनिक, तो वो भी वेल एक्सपीरियंसड है। इसी के साथ टीम यहाँ इतनी नहीं, और भी बहुत बड़ी टीम है। तो इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, तो यही कारण है कि इनका जो रोड मैप के अनुसार हर एक काम साथ के साथ होता जा रहा है। तो रोड मैप अगर हम Q2 का देखें 2022 का, तो कार्बो ग्लोबल प्रीसेल चलने वाला है, कार्बो टोकन लिस्टिंग जो ऑलरेडी होने जा रही है कुछ ही दिनों के अंदर, और हमें लिस्टिंग से पहले ये कॉइन मिलेगा। और क्लीन कार्बो प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट बर्न इवेंट इनका आएगा, जिससे प्राइस में एक बड़ा ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कार्बो ट्रेजरी अपनी लॉन्च करेंगे, बायबैक प्रोग्राम भी लाएंगे, अपना खुद का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर ये लॉन्च होने जा रहे हैं, जिससे अगेन एक बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा। और ये इसी क्वार्टर के अंदर होने जा रहा है, यानी कि आने वाले 2 महीनों के अंदर ये सब कुछ होगा। लैंड परचेज भी होगा फॉर इंस्टॉलेशन, यानी कि ये अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, फिजिकली इंस्टॉल करने के लिए लैंड परचेज करने जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस ये लेंगे। तो कई सारी चीज़ें होने जा रही है। अगर हम Q3 देखें तो वहाँ भी सब कुछ बताया गया है कि यहाँ लिस्टिंग्स होने वाली हैं, बायबैक्स होने वाले हैं, रेगुलर बेसिस पर बर्न किया जाएगा और इंस्टॉलेशंस करी जाएंगी, कंस्ट्रक्शंस करी जाएंगी। तो इनके वाइट पेपर के ऊपर इन्होंने मशीन्स भी दिखाई हैं, ये किन तरीके के मशीन्स को यूज़ करने वाले, जैसे कि यहाँ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर गैसिफिकेशन मशीन दिखाई गई है, पायरोलिसिस दिखाई गया प्लाज्मा, तो ये भी यूज़ करी जाएगी। सिनगैस को कैसे यूज़ करने वाले हैं, तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, शायद हमें इस वैसे समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इनका वाइट पेपर रीड करते हैं तो हर एक चीज़ बहुत आसानी से समझ आती है कि ये अपना पायलट प्रोजेक्ट अगर इंस्टॉल करेंगे तो कितनी बड़ी यूनिट होगी। तो यही कारण है कि ये इंडियन कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स वहाँ जाती हैं उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। अभी जो कार्बो टोकन है इसकी टोटल सप्लाई 500 मिलियन है, यानी कि करीब आधा बिलियन है, तो लिमिटेड सप्लाई है। और लिमिटेड सप्लाई में पार्टिसिपेट भी आप कर सकते हैं, अपनी खुद की वाइट लिस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप वाइट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे, वरना हमारा गिववे तो चल ही रहा है, तो गिववे में भी पार्टिसिपेट जरूर करना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स और आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल GovTrade को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।